64 योगिनियां या 64 जोगन, ये नाम आपने देवी गीतों में, देवी पूजन में, वास्तु पूजन या देवी कथाओं में सुना ही होगा। आखिर कौन है ये 64 योगिनियां? कैसे हुआ इनका प्रादुर्भाव? इन 64 जोगनों के नाम क्या है? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से 64 योगिनियों के प्रादुर्भाव की कथा और उनके नाम। चौसठ योगिनियों का संबंध मुख्यतः माता काली से ही है। ये सभी आदिशक्ति काली के ही भिन्न भिन्न अवतारी अंश हैं। घोर नामक दैत्य के साथ युद्ध करते हुए माता काली ने ही ये अवतार लिए थे। यह भी मान्यता है कि ये सभी 64 योगिनियां माता पार्वती की सखियां हैं। इन 64 देवियों में से 10 महाविद्याएं और सिद्ध विद्याओं की भी गणना की जाती है। ये सभी तंत्र तथा योग विद्या से घनिष्ठ संबंध रखती हैं। समस्त योगिनियां अलौकिक शक्तियों से संपन्न हैं तथा इंद्रजाल, जादू, वशीकरण, मारण, स्तंभन इत्यादि कर्म इन्हीं की कृपा से सफल हो पाते हैं। 64 योगिनियों का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है, जिनकी अलग अलग कथाएं हैं। अग्नि पुराण के 52वें अध्याय के अनुसार योगिनियां 8 अथवा 4 हाथों से युक्त होती हैं, इच्छा अनुसार शस्त्र धारण करती हैं तथा उपासकों को संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करने वाली हैं। स्कंद पुराण के काशीखंड के अनुसार मंदराचल से महादेव जी ने 64 योगिनियों को काशी के धर्मपरायण राजा दिवोदास का छिद्र अर्थात दोष देखने के लिए काशी भेजा था। वे योगिनियां 12 महीनों तक काशी में रहकर निरंतर चेष्टा करते रहने पर भी राजा का कोई छिद्र या दोष न पा सकी और लौटकर मंदराचल चली गईं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण की नाक के छिद्र से 64 योगिनियों का प्राकट्य बताया गया है। 64 योगिनियों के बारे में दो और कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार यह मान्यता है कि एक संपूर्ण पुरुष 32 कलाओं से युक्त होता है, वैसे ही एक संपूर्ण स्त्री भी 32 कलाओं से युक्त होती है। शिव और शक्ति जो संपूर्ण कलाओं से युक्त हैं, उन दोनों के मिलन से ही 64 योगिनी प्रकट हुई हैं। दूसरी मान्यता के अनुसार 8 मातृकाओं ने शुंभ निशुंभ और रक्तबीज राक्षसों के विरुद्ध युद्ध में माँ दुर्गा की सहायता की थी और देवी दुर्गा ने स्वयं माताओं की रचना की थी। इनमें से 7 देवी शक्तियाँ देवों के ही नारी रूप में जानी जाती हैं। ये 7 देवियाँ अपने पतियों के वाहन और उनके शस्त्र के साथ उपस्थित होती हैं। 8वीं माता स्वयं माँ काली को माना जाता है। हर एक माता की सहायक 8 शक्तियाँ हैं, इसलिए इनकी संख्या 64 हो जाती है। 64 योगिनियों में प्रमुख रूप से 8 योगिनियों के नाम पाए जाते हैं। दरअसल ये 8 मुख्य योगिनियां 8 समूहों के नाम हैं, जिनमें से प्रत्येक समूह में 8-8 देवियों के नाम बताए जाते हैं। 8 समूहों में से प्रत्येक समूह में 8 देवियां होने के कारण ही कुल मिलाकर 64 योगिनियां कहलाती हैं। इन 8 समूह अर्थात 8 मुख्य योगिनियों के नाम 2 जगहों पर अलग अलग बताए गए हैं। गूगल पे सर्च करने पर और कुछ पुस्तकों से हमें जो प्रमुख 8 योगिनियों के नाम प्राप्त हुए हैं वो इस प्रकार हैं: सुरसुंदरी योगिनी, मनोहरा योगिनी, कनकवती योगिनी,
कामेश्वरी योगिनी, रतिसुंदरी योगिनी, पद्मिनी योगिनी, नतिनी योगिनी, मधुमती योगिनी। शाक्त संप्रदाय के ग्रंथ शक्ति उपासना में पाए जाने वाले मुख्य 8 योगिनियों के नाम इस प्रकार हैं: ब्रह्माणी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, ऐन्द्री, चामुंडा, महाकाली। 64 योगिनियों के नामों में भी हमें अलग अलग जगहों पर भिन्नता दिखाई देती है। शक्ति उपासना इस ग्रंथ के अनुसार 64 योगिनियों के नाम: दिव्य योगा, महायोगा, सिद्ध योगा, महेश्वरी, पिशाचिनी, दाकिनी, कालरात्रि, निशाचरी, कंकाली, रौद्रवेताली, हुंकारी, भुवनेश्वरी, ऊर्ध्वकेशी, वीरूपाक्षी, शुष्कांगी, नरभोजनी, फटकारी, वीरभद्रा, धूम्राक्षी, कलहप्रिया, रक्ताक्षी, घोरा, राक्षसी, विश्वरूपा, भयंकरी, कामाक्षी, उग्रचामुंडा, भीषणा, त्रिपुरांतका, वीरकौमारिका, चंडी, वाराही, मुंडधारिणी, भैरवी, हस्तिनी, क्रोधा, प्रेतवाहिनी, खटवांगी, दीर्घलंबोष्ठी, मालती, मंत्रयोगिनी, अस्थिनी, चक्रिणी, ग्राहा, कंटकी, काटकी, शुभ्रा, क्रिया, दूती, करालिनी, शंखिनी, पद्मिनी, प्रहारिणी, असंधा, लक्ष्मी, कामुकी, लोला, काकदृष्टि, अधोमुखी, धुर्जटी, मालिनी, दुर्मुखी, कपाली, विषभोजनी। 64 योगिनियों के मंदिर मुख्यतः मध्य प्रदेश और उड़ीसा में पाए जाते हैं। ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनने और देवी देवताओं के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और सभी धर्म प्रेमी बंधुओं के साथ ये वीडियो शेयर करें। जय भवानी।